यार कल जाना ही नहीं चाहिए था मुझे, वरना ऐसा होता ही नहीं। अच्छा सुन रितिका, ये कैसा है आजकल ये रील्स बहुत ट्रेंड में चल रहा है? हाँ यार, बेस्टी टैग वाला मस्त है। हम दोनों करे क्या? एक्सक्यूज मी व्हाट, वी आर नॉट बेस्ट फ्रेंड यार, वी कांट। हाँ यार तेरा भी बराबर है यार। वो देख पार्वती आ रही है, फिर से दिमाग खाएगी। हाँ यार इससे छुटकारा कैसे पाए? कुछ भी नहीं कर सकते। हाय खुशी, क्या हो गया, कुछ टेंशन है क्या? नथिंग यार, ऑल राइट। तेरे चेहरे से लग नहीं रहा कि सब कुछ ऑल राइट है, बोल ना क्या हुआ? कुछ नहीं सब ठीक है। अरे कुछ नहीं कर सकता तू इसमें। अरे बोल के तू देख, ट्राई तो करने दे। वहां देख सामने कौन आ रहा है। कौन आ रहा है? पार्वती। हां पार्वती, उससे छुटकारा चाहते हैं हम। नहीं नहीं, मैं तो खुद उससे दूर भागता हूं, मैं कैसे, मैं नहीं कर सकता। बोला था ना तू कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, एक काम करते, उसको इग्नोर करते डायरेक्ट, उसको भाव ही नहीं देते। वही ऑप्शन है, लेट्स डू इट। हाय गाइस। हाय। हाय रितिका। हाय। क्या कर रहे हो? लेट्स मूव, चलो चलो। परेशान लग रही हो? मैंने कहा तुम परेशान लग रही हो। जी मैं आपको जानती नहीं। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ पार्वती। तुम यही सोच रही हो ना मैं इधर कैसे आई। प्लीज आप जो कोई है मुझे आपसे बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे अरे तुम वहाँ उन्हीं के पास जा रही हो जो तुमसे बात नहीं करना चाहता। आप ये सब कैसे जानती हो? पार्वती मैं सब जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। क्या हुआ पार्वती, तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है? और नहीं तो ये किसके साथ होता है? आंखें खोल कर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। वो देखो उसका नाम है सरस्वती, उसके पीछे जाओ तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। पढ़ाई लिखाई तो आती नहीं है, लेकिन पगार की तारीख अच्छे से याद रहती है तुम्हें। ये लो गवार करी। ये लो और जल्दी जाओ और मैं लेकर जाऊँ। थैंक यू दीदी, थैंक्स। मैं भारती, मैंने आपको उस आदमी से बात करते हुए देखा। अच्छा, वो शायद आपको पगार दे रहा था, राइट? हाँ, पर उसने आपसे जो बात की ना वो अच्छा नहीं लगा मुझे। छोड़िए ना दीदी, हर बार कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वैसे आपको मेरा नाम कैसे पता चला? वो आदमी ने आपका शायद नाम लिया बोलते वक्त। अच्छा, मैं भूल गई। पर वो लड़का कौन था? वो तो मेरा भाई था। अच्छा, और फिर वो पैसे? वो पैसे वो क्या है ना, उसके आज फीस भरनी थी तो उसको कुल से निकाला दिया जाता है इसलिए। अच्छा, फिर तुम भी पढ़ती हो ना? नहीं दीदी, वो क्या है ना घर का खर्चा और उसके कॉलेज की फीस मिला के कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए फिर मैं अभी निकलती हूँ, तो अपने ध्यान क्या हुआ? तुमने देख के तुम्हें दया आई? सच कहूँ तो हाँ, लेकिन ये आपको कैसे पता? यह जानना अभी ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसका पीछा करना। उसका नाम है अन्नपूर्णा,
जरा उसका जीवन देखो। आपको जानती हूँ? नहीं, मेरा नाम पार्वती है और मैंने आपको हम बच्चों को कुछ खिलाते नहीं देखा। और आप इतनी जल्दी में क्यों हो? तो मैं रोज ही करती हूँ और मैं ये करने के बाद क्लास करती हूँ। रोज? ये सब रोज क्या पॉसिबल होता है? हाँ, मुझे किसी को भूखा दिखाने जाना। और फिर आप उस बिल्डिंग में क्या करती थी? ओ, वो भी नहीं, मैं रहती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, फिर तो तुम्हें क्या लग रहा है? तो तुम्हें ही परेशानियां है? नहीं, बस एक और आखिरी उदाहरण, वो सुन लो। एक और? हाँ, एक और आखिरी है। ठीक है, अब किसके पीछे जाना है? तुम्हें किसके पीछे जाना नहीं है, तुम्हें जाके इधर रोड में खड़े हो जाना है, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, जाओ। क्यों बे पंक्चर सटी और सुअर की औलाद, जरा लड़की दिखी नहीं कि आ गए मुंह मारने। तुम लोग होगे किसी बड़ी बाप की बिगड़ी औलाद, अभी तुम लोग यहाँ रुके ना तो तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। निकलो यहाँ से। आप ठीक हो ना? अरे नहीं नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। अगली बार से अपना ध्यान खुद रखना सीखिए। कहिए। हाँ, मैंने आपको इस बदमाशों को मारते हुए देखा, बहुत अच्छा काम किया आपने। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई। वैसे आप कौन? मेरा नाम पार्वती है। और आपका? मेरा नाम है दुर्गा। आपको देख के ऐसे लगता नहीं कि आप इतनी बहादुर है। वैसे ये बात मुझे बहुत लोग कहते हैं। हाँ अच्छा है, पर आपके बहादुरी का राज क्या है? देखो, मैं एक बड़े घराने की लड़की हूँ, मैं अगर चाहूँ तो कार से या किसी और गाड़ी से आ जा सकती हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ। पर क्या है ना, जब मैं किसी पर अन्याय होते दिखती हूँ ना, तो मेरा खून खौलता है और यही है मेरे बहादुरी का राज। अच्छा ठीक है, चलिए मैं अभी निकलती हूँ, मुझे भी ज़रा काम है। धन्यवाद। अच्छा, अब तुमने सरस्वती और मैं अपने बेटे की जिंदगी देख ली, समझ आया? हाँ, वो सब जान लीजिए। पर मुझे एक बात बताइए, आपने ये सब मुझे क्यों दिखाया? वो सरस्वती, दुर्गा और अन्नपूर्णा, इन सबके बारे में आपको कैसे पता? अरे अरे रुको जरा, सब्र करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो तुमने अब देख लिया सरस्वती, अन्नपूर्णा और दुर्गा की जिंदगी कैसे जीते की सहायता से जीते हैं, कितने कष्ट झेलते हैं, कि समस्या से गुजरते हैं। हर एक नारी सब कुछ करती है, सब सबको सहारा देती है, कष्ट उठाती है, लेकिन वो किसको नहीं दिखता? तुम्हें किसी को दिखाई क्यों नहीं देता? पार्वती, अच्छी चीजों को समझने के लिए वक्त लगता है पार्वती, वक्त, और यही सारी माया है पार्वती।
नारी हमेशा दूसरों की खुशियों को देखकर ही अपनी खुशी मानती है, इसलिए ये दुनिया के सामने एक इल्यूजन बनी होती है, इल्यूजन।